जनपद के ग्रामीण इलाके में इलेक्ट्रिक बस संचालित होने का सपना लोगों का साकार हो रहा है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के लगातार मांग को देखते हुए नगर निगम ने 3 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का निर्णय लिया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत पूरे शहर में प्रथम चरण में 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया तथा दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाकर 10 अन्य इलेक्ट्रिक बसों और 2 टूरिस्ट बसों का संचालन किया गया। जनपद के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस समय सारी बसें पूरी तरह से फुल चल रही हैं और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पिपराइज, पीपीगंज, कोड़ेराम और सहजनवा सहित अन्य शहर से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन किया गया है, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर शहर में शिक्षा, चिकित्सा या कोर्ट कचहरी के उद्देश्य से आते हैं, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से इलेक्ट्रिक बसों की मांग आ रही है, जिसको देखते हुए शासन को पत्र भेजा गया है कि 25 और इलेक्ट्रिक बस आ जाएंगी तो सब मिलाकर 50 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस, टोटल 52 बसें दूर दराज ग्रामीणों से जुड़ जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सस्ता सुलभ आवागमन के लिए संसाधन मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है, गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत पूरे शहर में प्रथम चरण में 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और दूसरे चरण में अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 अन्य इलेक्ट्रिक बसों और 2 टूरिस्ट बसों का हरी झंडी दिखाकर उनका रवाना किया गया है। गोरखपुर शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों की लोकप्रियता जबरदस्त इजाफा हुआ है और इस वक्त सारी बसें पूरी तरह से फुल चल रही हैं और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों के मांग के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित किया गया है कि इनको पिपराइज, पीपीगंज, कोड़ेराम, सहजनवा आदि अन्य जो शहरी क्षेत्र से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी इनका संचालन किया जाए, जिससे कि बड़ी संख्या में जो लोग इन क्षेत्रों से रोजाना गोरखपुर शहर में शिक्षा के उद्देश्य से, चिकित्सा के उद्देश्य से या कोर्ट कचहरी के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, उनको आने और वापस जाने की बहुत ही एक अच्छी सहूलियत प्रदान की जा सके और ये सुविधाएं जो इनको प्रदान की जा रही है, इनकी आप बसों में चढ़ बैठने वाले यात्रियों की संख्या को देखकर इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी भी बसें हमारी भरी हुई चल रही हैं और अन्य क्षेत्रों से भी हमारे पास हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग आ रही है कि उन क्षेत्रों में भी इन बसों को चलाया जाए। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 अन्य इलेक्ट्रिक बसों के लिए शासन में से आदेशित किया है और हम लोगों ने शासन से इस आशय का पत्र भी भेज दिया है और उम्मीद है कि बहुत से 25 अन्य बसें भी आ जाएंगी, तो जो सब मिलाकर जो हमारी कुल मिलाकर 50 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस, 52 बसों की जो ये फ्लीट है, इसकी वजह से हम पूरे गोरखपुर के दूर दराज के इलाकों से भी जुड़ जाएंगे और वहाँ रहने वाले जो हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं उनको एक सस्ता, सुलभ और एक बहुत ही बेहतरीन जो संसाधन है आवागमन का, उसको उपलब्ध करा सकेंगे।